आर्टिकल 18 के तहत जितने भी जो टाइटल्स थे, पुराने जो टाइटल थे, अंग्रेजों के टाइम के जो टाइटल्स थे, वो क्या कर दीजिए, अबॉलिश कर देने चाहिए। केवल ब्रेवरी वाले जो आर्टिकल जो टाइटल्स हैं वही यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। आप सेकंड है राइट टू फ्रीडम। अब इसमें सारी जितनी भी फ्रीडम्स दी गई हैं उनके उन्हें हर आसपास में देखेंगे किस किस टाइप की फ्रीडम गवर्नमेंट के द्वारा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एक सिटीजन को प्रदान की गई हैं। देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या करता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आर्टिकल 19 में हमें मिला है क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर किसी को बोलने की आज़ादी है, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी है, अपने आइडियाज देने की आज़ादी है, ठीक है। आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशंस फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी की बात कौन सा आर्टिकल करता है बच्चों, आर्टिकल 21 करता है। और इसमें बच्चा है राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी बाद में ऐड किया गया है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गवर्नमेंट का किसी किसे कोई जो चर्चा चल रही थी तो उसके तहत बाद में इसको जोड़ा गया राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 ए क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन। ये भी पीछे बाद में जोड़ा गया है, इसमें है कि हर बच्चे जो कि भारत में जन्म लेने वाला नागरिक है या बच्चा है उसे एजुकेशन लेने का राइट है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ भी वो अपने राइट को यूज कर सकते हैं। बच्चों आर्टिकल्स में अमेंडमेंट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट की टू बॉडीज मैंने आपको बताई थी जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा था। लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर बहस होने के बाद मेजोरिटी के द्वारा उसे पास किया जाता है और उसके बाद कोई भी जो लॉ है वो लॉ बनाया जाता है और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए लागू किया जाता है, ठीक है। अब थर्ड राइट जो है हमारा वो कौन सा है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी के द्वारा एक्सप्लॉयट किए जाने के अगेंस्ट में आप उसको क्या कर सकते हो, न्यायालय में इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो। जैसा कि आर्टिकल 23 हमारा कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि व्यक्तियों की ट्रैफिकिंग करना। ट्रैफिकिंग की मतलब कि व्यक्तियों को बेचना या खरीदना और फोर्स लेबर यानी कि बेगार प्रथा कराना, जबरदस्ती किसी से काम कराना, इसको क्या किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिट किया गया है किसको, जो चाइल्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट किया गया है, उसको बंद किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राइट की, जो क्या है, राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। ये सेक्युलरिज्म के तहत हमें ये आज़ादी मिली हुई है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए क्या कर सकता है, टैक्स भी दे सकता है, अपने धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षण संस्थान खुलवा सकता है या किसी भी रीति रिवाज को अपना सकता है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है, यानी कि किसी भी रिलीजियस अफेयर को, यानी कि रिलीजियस जैसे मेला वगैरह आपने देखा होगा कि हिंदुओं का अलग मेला भरता है, मुस्लिम्स का अलग, तो ऐसा नहीं है कि उसको किसी तरीके से क्या है बैन कर दिया जाए। ये सब क्या है, आप अपने रिलीजियस को प्रमोट करने के तरीके हैं जिससे कि क्या किया जा सकता है, इनको राइट के तहत दिया गया है किसके द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आर्टिकल 27 क्या प्रमोट करता है, प्रमोट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, कि आप किसी भी फ्रीडम एज टू पेमेंट और टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, आप किसको अपने किसी भी धर्म को प्रमोट करने के लिए उसे क्या दे सकते हो, टैक्स दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, ये किसकी फ्रीडम है, ये इंडिविजुअल की फ्रीडम दी गई है ये आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन इंस्टीट्यूशन, कि आप किसी भी जगह जाकर अपने धर्म की क्या कर सकते हो, पूजा कर सकते हो और अपने धर्म को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ये फ्रीडम हमें किस आर्टिकल के तहत मिली हुई है, आर्टिकल 28 के तहत। फिफ्थ राइट है बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जितने भी जो माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट बनाया गया है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज को क्या प्रोटेक्ट करने के लिए ये
राइट बनाया गया है, ठीक है। आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं जो माइनॉरिटीज है अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। और सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, इन सब लॉज को सेव करने के लिए या जो जो सिटीजन्स है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं जो कि आर्टिकल 31 है। 31 ए क्या कहता है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट, ठीक है। आर्टिकल 31 बी क्या कहता है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल 31 सी क्या कहता है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम, एक और राइट है हमारा, सिक्स राइट है जिसे हम क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार के अधिकार के नाम से ये जाना जाता है। और आर्टिकल 32 में क्या कहता है, रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड दिस पार्ट, ठीक है। आर्टिकल 33 क्या कहता है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इन देयर एप्लीकेशन टू फोर्स एक्सेट्रा, यानी कि पार्लियामेंट को जो अधिकार इसके आर्टिकल के तहत दिया गया है कि वो किसी भी राइट को अगर लगे कि समय के हिसाब से सही नहीं चल रहा है या समय के हिसाब से उसमें कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए, तो आर्टिकल 33 के तहत ये पार्लियामेंट को पावर दी गई है। और आर्टिकल 34 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट व्हाइल मटेरियल लॉ इज इनफोर्स इन एनी एरियाज। आर्टिकल 35 कहता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। बच्चों क्लास 8 के हिसाब से ये सारे आर्टिकल्स जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये आर्टिकल्स पता होने चाहिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर आपको दिखाया है। जो भी आपके 6 राइट्स हैं वो आपको 6 राइट्स याद करने हैं केवल। आप देखते हैं स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट, स्टेट क्या होता है और गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एनफोर्स्ड लॉज एंड कैन चेंज विद इलेक्शन, यानी कि गवर्नमेंट क्या होती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है जो कि लॉज को एनफोर्स करती है, और जो ये जो गवर्नमेंट है ये किसी भी इलेक्शन के बाद क्या हो जाती है, चेंज होती है। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। स्टेट, स्टेट के बारे में देखते बेटा, स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्या है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट रिप्रेजेंट सॉवरेन पीपल, ये सॉवरेनिटी दिखाता है पीपल के लिए, कैसे, हु ऑक्यूपाइड डेफिनेट टेरिटरी, जिसकी क्या है, एक टेरिटरी होती है, यानी कि उसका एक पॉलिटिकल क्या होती है, बाउंड्री होती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है उसकी, और उसमें जो रहने वाले लोग हैं सब उसी से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं, ठीक है। लाइक इंडियन स्टेट, जैसा कि इंडियन क्या है, एक स्टेट है, नेपाली क्या है, एक स्टेट है, ठीक है, ये सब क्या है। और गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट, और जो गवर्नमेंट है वो इस स्टेट का क्या है, एक वन पार्ट है, एक पॉलिटिकल क्या है इसका, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, एक बॉडी है उसकी, ठीक है। स्टेट इज मोर देन गवर्नमेंट, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली, और इसको इंटरचेंज करने के लायक इंटरचेंजेबली नहीं है। अब हमने जो पढ़ा बेटा, एक बार उसका क्विक रिविजन कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा, पहले हमने पढ़ा पर्पस, क्या पर्पस था, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा लेज डाउन द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर दिखाने के लिए। डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम दिखाने के लिए, बताने के लिए। इट सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, ये हमें हमसे ही खुद से ही क्या करता है, सेव करता है, ठीक है। और इसके फीचर्स के बारे में बात करें, इसके की फीचर्स कौन कौन से थे बेटा, एक तो फेडरलिज्म था इसका, सेकंड क्या था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो कि 6 दिए गए थे, वो जो फंडामेंटल राइट्स पहले 7 थे जिसमें प्रॉपर्टी वाला जो राइट था वो शामिल था, लेकिन बाद में उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 हैं बेटा। अब नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म, ये सब चीज़ हमने इस चैप्टर में पढ़ी, आई होप ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।